हेलो एवरीवन माय नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वेलकम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी हनी बुक का थर्ड चैप्टर गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गोपाल जो है वो उनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र प्रमाणिक और गोपाल से गोपाल भाड़ भी कहा जाता है उन्हें और ये जो पूरी स्टोरी है एक्चुअली ये जो पर्सन है ये मिडिवल बंगाल में बेस्ड है सो so ये एक बंगाल से रिलेटेड स्टोरी है सो गोपाल चंद्र प्रमाणिक और गोपाल भाड़ वॉज अ कोर्ट जेस्टर कोर्ट जेस्टर द वर्ड जेस्टर नाउ ओके सो दिस वर्ड जेस्टर इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आ, जो आपको जो है ना कोर्ट में जो लोग कॉमेडियंस uh, होते हैं जो लोग मस्ताक करते हैं लोगों को एंटरटेन करते हैं उन्हें जेस्टर कहा जाता है तो ये कोर्ट जेस्टर थे कहाँ थे ये इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र मतलब राजा कृष्णचंद्र वहाँ पे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में नदिया वो उसके राजा थे और वहाँ पे उनके कोर्ट में गोपाल वॉज अ कोर्ट जेस्टर और राजा जो थे वो गोपाल को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था इंटेलिजेंट सिर्फ वो नहीं होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें करे हंसे नहीं मस्ती नहीं करे एक बंदा जो लोगों को हंसा भी सकता है क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन लोगों को हंसा सकता है अपने दिमाग का टाइमली यूज़ करता है उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है उसे भी हम बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं और वो वो जैसे अपन ने अकबर और बीरबल की स्टोरीज पढ़ी है ना सो वैसे ही वो बहुत शार्प माइंडेड था और वो हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता था सो नाउ ही यूज टू मेक एवरी वन एंड गोपाल इज बिलीव टू हैव अ कीन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस सो गोपाल के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है सो so, ये जो पूरी स्टोरी है ये मिजीवियल बंगाल के उस राजा के जो कोटियर था जो उसका कोट जेस्टर था गोपाल उसके ऊपर बेस्ड है सो so, हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो हैं राजा हु कृष्णचंद्र एंड दिस पर्सन गोपाल नाउ लेट्स स्टार्ट आर स्टोरी सो ये जो पूरी स्टोरी है ये कॉमिक स्ट्रिप्स में है तो जैसे हम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी कॉमिक्स कॉमिक बुक्स पढ़ी होगी आई रिमेंबर इट राइट आई यूज टू रीड चाचा चौधरी एंड सुपर मैन और ये जितने भी मॉवल एवेंजर्स वाले होते थे सो so, मुझे नहीं पता भी आप कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे हो बट आई एम श्योर दैट सबको बहुत पसंद है कॉमिक बुक्स पढ़ना सो so, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये पूरा जो चैप्टर है कॉमिक स्ट्रिप्स में ही लिखा गया है सो लेट्स विद द फर्स्ट स्लाइड इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स फिश फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश अब जो है ये जो पीरियड की बात हो रही है वो मेजरली मॉनसून सीजन है हाउ डू वी नो दैट क्योंकि इसमें बात हुई है हिल्सा फिश की हिल्सा फिश एक इट्स अ कैटेगरी ऑफ फिश इट्स अ टाइप ऑफ फिश जो यूजुअली इंडियन जितने भी इंडियन रिवर्स होती हैं उसमें पाई जाती है और जो मॉनसून पीरियड होता है इसमें ये सबसे ज्यादा पाई जाती है मानसून पीरियड में ये बहुत ऊपर ऊपर आ जाती है सो दैट इज वाई ये जो था ये पूरा सीजन था हिल्सा हिल्सा फिश का तो हम कह सकते हैं मानसून सीजन था ओके सो हियर वन फिश मोंगो सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे

घर में अगर बात करो आपस में बात करो सो दे लाइक डिस्कसिंग आज तो मैंने पता है इतने कम प्राइस में खरीद ली या तुम्हें तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आज कितने प्राइस में हिल्सा फिश खरीदी है so, सो हर जगह द पीपल वर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग विच वॉज हिल्सा फिश एंड इन पैलेस टू कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्स फिश योर मजेस्टी यू शुड है दूज हिल्स ऑफ फिश आई कोट इट वो बेसिकली कोर्ट जो राजा का जो दरबार था राजा का जो कोर्ट था वहां पर भी एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्स ऑफ फिश एंड देन वन ऑफ द कोर्टियर ही सेट टू राजा दैट यू नो वॉट यू हैव नो आइडिया आज हम मैंने इतनी बड़ी हिल्स ऑफ फिश कैच की थी बट देन वॉट हैपेन्ड स्टॉप इट आर यू अटियर ऑफ अ फिशरमैन

सो द मीनिंग ऑफ डाउन का स्टाइज मीन्स आप जब अपना चेहरा झुका लेते हो आँखें नीचे कर लेते हो स्पेशली वन समी स्कोल से हो सो उसने नीचे कर लिया बट एट द सेम टाइम द किंग फील्ड कि उसने उन्होंने कुछ गलत कह दिया या उन्होंने ज़्यादा कह दिया है सो वॉट डिट ही सी ही सेड आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर टेम्पर मीन्स जो मुझे जो है मेरे को गुस्सा आ गया था आई लॉस्ट माई टेम्पर मीन्स मुझे गुस्सा आ गया था इट is the season for hilsa fish and no one not even gopal can stop anyone from talking about hilsa fish not even for 5 minutes so he started saying that i am bored i am irritated because everybody seems to be talking only about hilsa fish even for that matter gopal he cannot stop anyone from talking about hilsa fish even for 5 minutes तो ये अपने आप में जब उन्होंने कहा कि इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता मतलब उनके हिसाब से गोपाल तो काफी कुछ कर सकता था वो बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन जिस तरीके का माहौल था उन्हें लगा गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता ओह आई थिंक आई कुड योर मेजिस्टी अब जैसे ही किंग ने कहा मुझे नहीं लगता कि गोपाल भी कुछ कर सकता है तो गोपाल ने बोला नहीं नहीं मैं तो कर सकता हूँ

पूरे रास्ते तुमसे हिलसा फिश के बारे में कोई बात नहीं कर सकता ओके एंड वॉट डिड गोपाल से आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजिस्टी बिल्कुल मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ फ्यू डेज लेटर वाई इज योर फेस हाफ शेवन आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश सो अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक दिन जो गोपाल है वो तैयार हो रहा होता है मार्केट जाने के लिए टू बाय हिल्स अल्स फिश बट व्हेन हिज वाइफ सीज हिम जब उसकी वाइफ देखती है तो देखा होता है कि उसने जो हाफ शेव कर लिया अपना फेस मतलब उसकी जो पूरी बियर्ड होती है जो पूरी दाढ़ी होती है उसने उसको आधी साफ कर ली होती है सो so वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुमको क्या हो गया ये क्या कर रहे हो तुम तो वो बोलता है कुछ नहीं मैं तो बस मार्केट जा है मुझे हिलसा खरीदनी है ना मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं मैं हिलसा फिश खरीदने जा रहा हूँ वट इज द मैटर विथ यू वाई आर यू स्मेरिंग यूर सेल्फ विद स्मेरिंग मतलब लगाना बोले तुम अपने फेस पे पूरा ऐश क्यों लगा रहे हो मतलब वो अपने फेस पे क्या कर रहा था वो अपने फेस पे राख लगा रहा था जो ऐश होता है सो so वो पूछती है तुम कर क्या रहे हो तुम अपने फेस पे ऐश क्यों लगा रहे हो सो ही सीज आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप

किया हुआ है पूरे चेहरे पे राख लगाया हुआ है तो वाइफ को लगता है पता नहीं इन्हें क्या हो गया वो बोलती है ऐसे बाहर मत जाओ क्या हो गया है तुमको इस तरीके के कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो फिश वो बोलता है अरे भगवान कितनी बार बताऊं मैं तुमको मैं हिलसा हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ इसलिए मैं तैयार हो रहा था इट्स टू हिम ही अब वो एक मस्करा था ही वॉज राइट तो उसकी वाइफ को लगा सबको हंसाते हंसाते पक्का इनका भी दिमाग खराब हो गया है फाइनली आज हो ही गया ये पागल हो चुके हैं नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस गोपाल बॉट हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस फाइनली गोपाल मार्केट गया उसने एक बड़ी सी हिलसा फिश खरीदी एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूर्ड्स द पैलेस वो राजा के पैलेस जाने लग गया मदर Look at that man. Isn't he comical? So, एक छोटे से बच्चे ने उसको देखा रास्ते में और बोला ओ oh माई गॉड वो अपनी मम्मा से कहने लगा देखो देखो वो आदमी को वो कितने कॉमिकल लग रहे हैं उनको देख के हंसी आ रही है सो बिकॉज सी दिस इज हाउ हीसली किसी को भी देख के हंसी आएगी ही मस्ट बी अड मैन द वे वॉज ड्रेस्ड किसी और ने देखा कहा यह जरूर कोई पागल आदमी है हर्ष आई थिंक ही इज अस्टेक एक ने कहा नहीं नहीं चुप रहो मुझे लगता है ये कोई मिस्टिकल पर्सन है कुछ यू you नो know, जो समथिंग रिलेटेड टू मैजिक तो किसी ने कहा मुझे लगता है ये कुछ अलग ही तरीके का बंदा है कोई कुछ कहो मत व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट सो अब गोपाल फाइनली कोर्ट पहुंच गया और उसके कपड़े उसका फेस कोई उसको जाने देगा अंदर ऑब्वियसली नहीं जाने देगा ऐसे किसी इंसान को कोई क्यों कोर्ट के, के अंदर जाने देगा सो so, वो पूछते हैं तुम्हें क्या काम है यहाँ पे वॉट डू यू वॉन्ट ही आई टू मीट द द किंग 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 मुझे मुझे सी से मिलना है अब एक बंदा जिसने पूरा आधा शेव किया हुआ है एकदम गंदे कपड़े पहने हुए हैं बोरियो जैसे कपड़े पहने हुए हैं क्या उसको जो कोट मतलब जो बाहर जो पहरेदार है वो अंदर जाने देंगे ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू गेट अवे विद यू मतलब अपने आप को लेके यहाँ से दफा हो जाओ बाहर चले जाओ तुम नहीं मिल सकते किंग से सो व्हाट डज ही से ही डजंट से एनीथिंग वो गोपाल क्या करता है ही स्टार्ट्स टू सिंग एंड डांस वो गाने गाने लग जाता है वहां डांस करने लग जाता है वो भी बहुत जोर-जोर से इनसाइड द पैलेस द मेन द मैन इज क्रेजी थ्रो इम आउट एट वंस आई वांट टू सी द किंग लेट मी इन अब अंदर जो है राजा बैठा हुआ है लेकिन बाहर की आवाजें उसके कानों तक आ रही हैं तो उसको बाहर से कैसी आवाजें आ रही है अरे ये पागल कि कौन है ये आदमी जिसको मुझसे मिलना है कोई उसे पागल कह रहा है लोग उसे भगा रहे हैं बोलता है bring, bring that man मतलब एक बार में उसको फटाक से मेरे पास लेके आओ तो वो बोलता है हाँ ठीक है सर लेके आ जाता हूँ राजा है राजा ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी गोपाल was brought before the king अब फाइनली गोपाल को किंग के सामने लेके आया गया इट्स गोपाल अब जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे उन्होंने देखा उसको पहचान लिया कि ओ माय गॉड ये तो गोपाल है एंड दिस इज हाउ ही वाज ऑल ड्रेस्ड अप फनी एंड स्ट्रेंज The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब क्या होता है राजा गोपाल को बहुत पसंद करते थे तो वैसे भी हो जाता है ना जैसे कि आपकी टीचर है अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है तो हमको ऐसा लगता है नहीं हमें भी उनसे अच्छा होना है टीचर हमें क्यों नहीं पसंद करती तो बाकी के लोग वैसे भी ऐसा सोचते थे कि यार ये क्या है गोपाल मतलब यू you नो know, क्यों किंग इसको इतना पसंद करते हैं ठीक है मस्करा ही तो है तो जब गोपाल इस तरीके से आया लोगों ने बोला अब तो इसका पक्का दिमाग खराब हो गया है और वो एक ने कहा हो सकता है ये ना इसका कुछ एक एवरी टाइम ही इज जोकिंग अराउंड ही ही इज इज अ जेस्टर जोकिंग अराउंड मे बी दिस इज वन ऑफ हिज सिली जोक्स सो ऑल राइट गोपाल आउट विद इट तो फाइनली राजा ने देखा ये तो गोपाल है राजा ने गोपाल से कहा ओके गोपाल आउट विद इट मतलब अब एग्जैक्टली exactly बताओ ये हो क्या रहा है Why are you dressed up in such a ridiculous fashion? तुम इतने खराब तरीके से क्यों dressed up हो क्यों तैयार हुए हो Your Majesty, you seem to have forgotten something. गोपाल कहता है अरे Your Majesty, it seems that you have forgotten something. लगता है आप कुछ भूल गए हैं Forgotten something? तब वो बोलता है strangely enough. No one seems to be interested in Hilsa today. Everybody was talking about me from the market to the palace. एंड इन द कोर्ट नोट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट द फिश उसने बोला कि सर आप कुछ भूल रहे हैं जब किंग ने बोला क्या बोले बहुत स्ट्रेंज बात है लेकिन मैंने मार्केट से लेके मैं पैलेस तक आ गया मैंने हिलसा फिश खरीद ली बट एक भी आदमी ने मुझसे हिलसा फिश के बारे में बात नहीं करी इनफैक्ट हमारे कोर्ट में भी किसी ने हिलसा फिश के बारे में बात नहीं करी तब राजा को याद आता है कि ओ येस ही रिमेंबर्स द चैलेंज

तुमने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल एवरीबडी वस टॉकिंग अबाउट समथिंग बट गोपाल ने क्या किया उसने पूरा जो अटेंशन था जो कि अभी फिश पे था उसने वो पूरा अटेंशन डाइवर्ट करके अपनी तरफ लगा लिया अब सब लोगों को हिलसा फिश दिख ही नहीं रही थी दे वर लुकिंग एट हाउ ही वॉज ड्रेस्ड अप इन अ रेडिक्यूर फैशन सो so, उसको देख के किसी ने नहीं देखा कि उसके पास एक बड़ी सी हिल्सा फिश भी थी सब बस यही देख रहे थे कि आदमी इस तरीके से ड्रेस्ड अप क्यों है कोई पागल समझ रहा था कोई क्रेजी समझ रहा था किसी को लगा कि ये किसी तरीके का मिस्टिकल पर्सन है लेकिन किसी ने फाइनली हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की सो so, That is what our entire chapter was all about Gopal and the Hilsa fish. So, it was a very light toned, very comical sa chapter. Tha. I'm sure you must have had a smile on your face after reading the entire chapter. Right? Now, we'll continue with the question and answers. Okay, so let's begin. The first question is why did the king want no more talks about the Hilsa fish? क्यों किंग चाहता था कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे क्यों नहीं चाहता था किंग बिकॉज वो बोध हो गया था वो पक गया था वो ऐसा हो गया था कि अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा ही बस फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश सो अब इस आंसू को हमने कैसे फ्रेम किया है इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश and everyone was so obsessed with it that they could not resist themselves from talking about it. अब जो ये first line है इसको हम three lines में break करते हैं पहला चीज कि it was the season of hilsa fish. So when you will write your answer, understand the keywords. सबसे पहला कि हिल्सा fish का season था हर कोई उससे obsessed था What is the meaning of obsession? जब आप और किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते हो जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो या उसको उसके बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे हो आ, कि आपको और कोई सी चीज दिखाई ही नहीं दे रही है उसको कहते हैं ऑब्सेशन जैसे कि कोई क्रिकेट लवर uh, है तो उसको जो है ऑल द टाइम ही विल ओनली थिंक अबाउट क्रिकेट कोई फैशनिस्टा है तो ऑल द टाइम शिल थिंक अबाउट यू नो हाउ टू वेयर और वॉट टू वेयर एंड हाउ टू लुक गुड सो इसको बोलते हैं ऑब्सेशन राइट

and he did not want anyone to talk about hilsa fish okay so how do we write this answer first what's the first point that it was the season of uh, hilsa fish second point everybody was obsessed about the fish and they could not resist to talk about it even the people around the king were talking about the hilsa fish isse the king was infuriated and he did not want anyone to talk about it clear now let's move on to the Next question. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब किंग को पता था गोपाल क्लेवर है, right? लेकिन वो ये क्या चाहता था? वो चाहता था कि तुम मुझे प्रूव करो। Everybody इज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, तुम मुझे प्रूव करके बताओ कि you know तुम कि तुम इनको रोक सकते हो? कैसे रोक सकते हो? एवरी वन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्स फिश हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि सब लोग जो थे वो हिल्स फिश के बारे में बात कर रहे थे द किंग आज गोपाल टू बाय अब हम पूरा एग्जैक्टली exactly नारीट करेंगे कि किंग ने क्या कहा किंग ने क्या कहा ही आज गोपाल टू बाय अज हिल्स ऑफ फिश एंड नो वन शुड टॉक अबाउट इट फ्रॉम द मार्केट प्लेस टू द पैलेस सो हमने इसी चीज़ को लिखा है the king asked gopal to buy a huge hilsa fish from the market and make sure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace. matlab, pure market, palace, tak us to the right. so this is the answer. so ab do not write one line or two line answers because see the standard is going higher. राइट right, अभी सेवेंथ स्टैंडर्ड में अगर हम वन लाइन आंसर देंगे तो हमको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे सो फर्स्ट राइट दैट सब लोग बात कर रहे थे एंड इस रीजन की वजह से ही गेव दिसन आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लेट्स मूव अहेड वॉट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश क्या क्या कौन सी वो तीन चीजें थी जो गोपाल ने की थी ताकि उस को यू you नो know, जब वो हिंसा फिश लेने जा रहा था तो तैयारी करता था उसने मतलब प्रॉपर तैयारी करके गया था वो तो क्या क्या किया था एक उसने अपने आप को हाफ शेप कर लिया था सेकंड उसने अपने फेस पे ऐश स्म किया था मतलब ऐश पूरा लगा लिया था एंड थर्ड उसने रैग्स पहने थे बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे सो द आंसर I have written the answers and uh, answer in points. You also write it like this. उससे क्या होता है? Teacher के लिए भी मतलब she knows that you know the answer well. Gopal did the following three things. Okay, first half shave कर लिया उसने अपना face. He got his face half shaved. He smeared ash on his body himself. खुद ही उसने अपने पूरे body पे ash लगा लिया. And he wore rags. उसने जो थे पूरे गंदे कपड़े पहने हुए थे. So that's it. सिंपल आंसर शेल बी मूव अड नाउ द नेक्स्ट वन इज अब गोपाल पैलेस के अंदर कैसे गया हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉर्ड द फिश क्योंकि द वे ही वॉज ड्रेस्ड अब एंड द वे ही वॉज लुकिंग नो बडी वॉज अलोइंगम कोई उसे अंदर तो जाने दे नहीं रहा था तो गोपाल अंदर गया कैसे क्या किया था उसने वो बहुत जोर जोर से डांस करने लग गया था एंड ही वॉज सिंगिंग राइट सो वी विल राइट द सेम थिंग वेन गोपाल रीच द पैलेस ही द गार्ड टू मीट द किंग बट ही वॉज नॉट अलाउड द मीट अलाउड टू मीट द किंग राइट अब डायरेक्टली मत लिखना दैट गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग एंड दैट्स हाउ ही वेंट इन साइड द पैलेस बिकॉज इसमें हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे फर्स्ट क्यों उसे अलाउ नहीं करेंगे कि हम एक लाइन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे दैट सिंस ही लाइक गोपाल जब गोपाल मैन ही रीच द पैलेस उसको गार्ड ने किंग से मिलने के लिए मना कर दिया ही वॉज नॉट अलाउड बाई द गार्ड्स टू मीट द किंग अब उसने क्या किया ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इन अलाउड वॉइस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस एंसर टू ग्रैप किंग्स अटेंशन मतलब उसने क्या किया ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन अ लाउड वॉइस सो इसमें सिंगिंग एंड डांसिंग तो कर रहा था लेकिन लाउड वॉइस में कर रहा था ताकि अंदर तक किंग के अटेंशन को वो ग्रैब कर सके ग्रैब किंग्स अटेंशन मतलब उनका अटेंशन पा सके द किंग हर्ड द नॉइज एंड आज द मैन टू ब्रिंग हिम इन साइड ओके सो आज द मैन टू बी ब्रॉट इन साइड मतलब किंग ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी सो उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है एंड देन ही आस्क द पर्सन टू ब्रिंग द मैन हु इज लाइक येलिंग आउटसाइड टू कम एंड मीट द किंग अंडरस्टंड सो द आंसर हैज थ्री पार्ट्स फर्स्ट कि दे वर नॉट अलाउइंग जो उसके जो गार्ड्स थे द गार्ड्स वर नॉट अलाउिइंग हिम टू मीट द किंग सेकेंड उड नॉइस में दिस इज इम्पॉर्टेंट टू ग्रैप किंग्स अटेंशन उसके बाद ने अंदर बुला लिया सो लेट्स गो टू द्वेश्चन एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट दिल्स ऑफिश विच गोपाल हैड बॉट अब ये जो था क्वेश्चन ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था आफ्टर वी कम्प्लीटेड रीडिंग चैप्टर किसी ने भी गोपाल से हिल्सा फिश के बारे में क्यों नहीं बात करी क्यों नहीं बात की थी बिकॉज गोपाल ने सारा अटेंशन हिल्सा फिश की जगह खुद पे डाइवर्ट कर लिया था द वे ही वॉज लुकिंग नो बडी सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड टू नो कि भैया इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने और ये है कौन और ये कोई पागल आदमी है क्या तो अब इसका हम आंसर पढ़ते हैं गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन सो दिस इज आर फर्स्ट पॉइंट

रादर देन द फिश पीपल वो आर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपेयरेंस सो दिस इज इम्पॉर्टेंट उसको पूरा जो अटेंशन था डाइवर्ट करना था तो ये एक पॉइंट हो गया एंड सेकेंड लोग जो थे ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में थे अब वो लोग उसके अपेयरेंस में थे रादर देन द फिश वो उसको उसकी अपेयरेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सो दैट इज़ आर आंसर ओके आई होप यू हैव नो डाउट्स इफ यू हैव Please raise your doubts, uh, write whatever your doubt you have in the comment section, and then we will discuss it later. Now, let's move on to the next question. Now, this is a very easy true and false. Write true or false against each of the following sentences. First sentence: the king lost his temper easily. Do you think ki the king tha, wo bahut jaldi tha? Yes or no? क्या मतलब द किंग्री मतलब जैसे ही उसको पता चला की वो रॉन्ग है तो क्या वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था जब उसको मतलब

क्या किंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था किंग को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता था बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस दैट यू नो ही वॉज लाइक सो इरिटेटेड एंड सो फ्रस्ट्रेटेड बाय द कंटिन्यूस टॉक्स गोइंग अबाउट हिल्सा फिश कि ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ बट द मोमेंट ही रियलाइज की उसने किसी पे चिल्ला दिया है उसने सॉरी भी कहा था सो नो नाउ see सी द So the king lost his temper easily. Okay, now here we have written the answer yes. Now it is a personal thing. I feel no. If you feel yes, then you can write like that. Gopal was a madman. Four walls. We have done and we have discussed all these things. Right? Now we are going to. To continue the rest of the questions because there are interesting questions. Hai. In fact, there is a very interesting story that we are going to do. And uh, till that time, stay connected, stay safe, and I'll see you soon. Thank you so much.